हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाम शालू, आप देख रहे हो के ब्यूटी एंड स्टाइलिंग। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया करूँगी, तो कल मैंने एक व्लॉग डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी आप जाके क्लिक कर सकते हो और मेरा लास्ट वाला व्लॉग जो है वो देख सकते हो। सो गाइस, आज मैं प्रॉपरली अपना व्लॉग बनाने वाली हूँ। वो मैंने रैंडमली बनाया था, दो चार दिन की जो छोटी छोटी क्लिप्स थी वो मैंने डाली थी। गाइस, तो आज मैं प्रॉपर अपना व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ और आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो रखी है। मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ और टाइम क्या हो चुका है, सुबह के 11:30 बज चुके हैं। और ना नहाने का रीज़न क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी मैंने बहुत सारे कपड़े जो हैं, ये कपड़े आप देख सकते हो, ये दो तीन बार धुल चुके हुए कपड़े हैं जो कि मैंने काफ़ी दिन से प्रेस ही नहीं किए थे, तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको प्रेस कर लिया है। इतना बड़ा काम जो है मैंने पहले नहाने से पहले ही कर लिया है, क्योंकि फिर मुझे सिरदर्दी नहीं चाहिए होती, नहाने के बाद मुझे रिलैक्स होना होता है। तो अभी आप देख सकते हो, जस्ट मैं नहाऊंगी और उसके बाद तैयार होकर आप लोगों से मिलूंगी। और आपको लास्ट वाला व्लॉग कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखना पसंद आता है तो मैं अब डेली व्लॉग्स भी डाला करूंगी, तो आप ज़रूर मेरे व्लॉग्स को देखा करना। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब गाइज ज़रूर कर लेना। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का डे। हे गाइज, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ विशाल मेगा मार्ट, तो फटाफट से आगे देखेंगे। तो चलिए अभी तो चलते हैं विशाल मेगा मार्ट। सो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ विशाल मेगा मार्ट और सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये पिकल्स सेट, जो कि बहुत ही अच्छा है। 3 का ये सेट है और इसके साथ आपको ट्रे भी मिल जाएगी, तो पिकल्स सबके अचार वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हो, आम का अचार वगैरह, और फिर इसको ट्रे के अंदर सेट करके रख सकते हो। प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। और उसके अलावा गाइज, ये बहुत ही अच्छा सेट मुझे लगा था, तो ये सेरेमिक का सेट है। आप सेरेमिक की प्रोडक्ट अगर पसंद करते हो, खरीदना चाहते हो, तो इसको परचेज कर सकते हो। उसके बाद स्टेनलेस स्टील की चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या नया आया हुआ है। सो स्टेनलेस स्टील में सबसे पहले है ये कप, आप देख सकते हो, बहुत ही क्यूट सा है, मुझे बहुत पसंद आया था। और इसका प्राइस भी आप स्क्रीन पर देख पाओगे गाइस। और ये बहुत सारी तरह के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, शेप्स और साइज़ में मिल जाएंगे, तो आप जैसा भी परचेज करना चाहते हो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर कोई ये फ्रूटी भी रख के चला गया था, सो मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया। और उसके बाद ये टिफ़िन बॉक्स आप देख सकते हो, टिफ़िन बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो, स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। अपना जो भी आप खाना वगैरह स्टोरेज करना चाहते हो, बाद में बच जाता है, तो इस के स्टोरेज बॉक्स में आप रख सकते हो गाइस। सो उसके बाद है ये छोटा सा क्यूट सा टिफ़िन बॉक्स, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था मुझे, बट मुझे नहीं लगता है ये इतना ज़्यादा काम आएगा। लाइक अगर आपको दो रोटियां ही डालनी है और सब्ज़ी वगैरह, अगर आपको अचार वगैरह डालना है तो इसको ले सकते हो, बाकी आप इसके अंदर सब्जी वगैरह तो नहीं डाल पाओगे। सो ये इतना छोटा सा क्यूट सा आप टिफ़िन देख सकते हो, तो ये पोलोथिन में था। अब मैं आपको पोलोथिन से बाहर वाला, यानी कि इस तरह का अनपैकेज वाला दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह का है, क्यूट सा देखने में अच्छा है, बट अगर आप सब्ज़ी वगैरह नहीं डालना चाहते हो तो इसको परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपको प्लास्टिक में भी टिफ़िन यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये एयर टाइट टिफ़िन है जो कि आप किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो, टिफ़िन की तरह यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको बोला आप स्टोरेज बॉक्स की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, आपकी जो चीज़ें इसके अंदर रखते हो वो ख़राब नहीं होती हैं फिर। और उसके बाद आप देख सकते हो ये इस तरह का मुझे सेट दिखा था, जो कि बहुत ही अच्छा था, बाउल सेट है ये। सो उसके बाद मुझे यहाँ दिखा था 7 पीस का बाउल सेट, जो कि बहुत ही एलिगेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप अगर किसी के लिए गिफ्टिंग ऑप्शन में इसको रखना चाहते हो तो ले सकते हो, इसको आराम से ले सकते हो गाइस। 7 पीस का आप देख सकते हो और कुछ भी इसके अंदर डाल के आप सर्व कर सकते हो। एक सर्विंग बाउल आपको इसके अंदर मिलेगा, उसके बाद 6 कटोरियाँ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो अच्छे खासे प्राइस में है ये, 399 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। और उसके अलावा एक और यहाँ पर बाउल सेट था जो कि बहुत ही अच्छा था, इसमें आपको लिड भी मिल जाएगी और एक स्पून भी मिल जाएगी, सो ये उससे थोड़ा सा और अच्छे वाला है, तो इसको भी आप एक गिफ्टिंग ऑप्शन की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरह का मुझे यहाँ पे बाउल सेट, दो अच्छे अच्छे बाउल सेट दिखे थे। उसके बाद मैं आपको स्पून्स वगैरह और दिखा देती हूँ स्टेनलेस स्टील में। सो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ सारी स्पून्स वगैरह। Thank you.
हे गाइस, सो मैं विशाल में पहुंच चुकी हूं और यहां पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शो करूंगी। तो स्टेनलेस स्टील की चीज़ें मैं आपको दिखा चुकी हूं और अभी दिखाने वाली हूं सब प्लास्टिक का सामान। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या करने वाले हैं, फिर घर चलेंगे सारा काम करके। सो अभी आप फटाफट से देख लो क्या क्या नया सामान आया हुआ है। हर रोज़ नया स्टफ़ आता है विशाल में। सो ये विशाल कहाँ है पर एड्रेस मैं आपको बताऊँगी बाद में, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि एड्रेस कहाँ पे है। तो चलिए फटाफट से पहले देख लेते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ प्रॉपर एड्रेस। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद हमने खाए थे थोड़े से समोसे और उसके लिए अभी मैं घूम रही हूँ थोड़ी देर छत पे। तो छत पे घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समोसे वगैरह खाने के बाद, वरना मेरे पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी घूमूंगी और उसके बाद क्या करूँगी कुछ नहीं पता है, बट आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। पर उससे पहले मैं बता देती हूँ, जो विशाल मेगा मार्ट के लिए आप लोग पूछते हो ये कहाँ का विशाल मेगा मार्ट है, तो गाइस मैं हरियाणा में रहती हूँ। मैंने काफ़ी बार ये चीज़ मेंशन भी की है, हो सकता है कई बार रह जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस लिखना, तो अगर नहीं भी होता है तो मैं आपको आज बता देती हूँ। तो क्योंकि मैं हूँ हरियाणा से, तो हरियाणा के आसपास जितने भी गुड़गांव, दिल्ली वगैरह या फिर हरियाणा की जितनी भी विशाल मेगा मार्ट है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ये हरियाणा में ही है, जितनी हिसार, भिवानी, रोहतक वगैरह जितनी भी जगह है ना हरियाणा में, वहीं की ये सारी वीडियोज़ होती हैं। तो यहाँ का एरिया है जहाँ की मैं विशाल मेगा मार्ट की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो मुझे लगता है अब तो क्लियर हो चुका होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।